दोस्तों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आपका छोटा भाई को मोटिवेट मिलते रहे। तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंपस से बाहर कर देगी। पुलिस? पुलिस आज तक अपन को अंदर नहीं कर सकी तो बाहर कैसे करेगी। दोस्तों इस तरह की वीडियो को एडिट कर कैसे करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लाइट मोशन ऐप की। तो चलो अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। जैसे लाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको 9x16 सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको एक बार प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और नीचे में मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी वीडियो लेता हूँ, तो मैं जिस पे फिर डालने वाला हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ से वीडियो है, तो वीडियो को एंटर जरूर देखें। तो आपको प्लस पे क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। एड इफेक्ट पर जैसे क्लिक है तो ऊपर की ओर जाइएगा, तो स्विफ्ट कीजिएगा और अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे मिलेगा, आपको सेकंड ऑप्शन पे ये वाला तो चैनल रेम RGB का स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है आपको। और बी को जो है आपको जी में ले आना है, बी को जी में ले आना है। बस यहाँ पे आपको यहाँ से बैक होना जाना है। बैक होने के बाद आपको आपको सर्च करना है SAT एसिटी सिचुएशन वाइब्रेंस को पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। तो स्टैंडर्ड सेटिंग एक बार क्लिक करना है आपको। सिचुएशन को आपको लगभग 20 रख देना है आपको 20, और वाइब्रेंस को आपको 1.10 रख देना आपको। तो आपको अपने वीडियो के हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद बैक हो जाना, उसके बाद प्लस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है, मीडिया के नीचे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको कलर पे जाना और पिंक कलर सेलेक्ट कर लेना है। पिंक कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक होने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ऊपर जाइएगा और डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। डिफरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली 3 नंबर पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली से यहाँ से भी बैक हो जाइएगा। यहाँ से बैक होने के बाद आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड को क्लिक करिएगा। करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। सिंपली से बैक होकर फिर इफेक्ट पर क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पर, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गॉसियन ब्लर। जी जैसे सर्च कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा गॉसियन ब्लर, इस पर क्लिक करना है आपको। और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है आपको। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सपोजर गामा पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से स्टैंडर्ड सेटिंग पर इस पर भी क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको गॉसियन ब्लर जो है आपको गॉसियन ब्लर पर क्लिक करना है। गॉसियन ब्लर पर क्लिक करने के बाद इसको आपको लगभग 440 रख देना है आपको, 440 0.414। तो उसको एक्सपोजर गामा पर क्लिक करना है आपको, एक्सपोजर को -20 रख देना है आपको, -20। और गामा को 0.900 रख देना है, 900 रख देना है इसको। और ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे में, आपको -10 रख देना है। उसके बाद आपको सिंपली से बैक होना है और आपको मीडिया पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा और मीडिया के नीचे जो आएगा फिर से आपको उसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद कलर पे कलर का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से आपको वहीं ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको इस पर कॉन्टेस्ट पर क्लिक करना है। कॉन्टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर जो आएगा उस पर क्लिक करना है। तो
देखिए वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो आपको मैं चला, अभी पूरा वीडियो पे इफेक्ट सेव नहीं हुआ, तो पूरा वीडियो पे इफेक्ट सेव करने का हमको फर्स्ट और सेकंड वाले को कॉपी कर लेना है और लास्ट में अपने वीडियो को ले आना है पूरा लास्ट में। और फर्स्ट नंबर पे जो इधर ये दिखेगा इस पर क्लिक करना है तो हमारे वीडियो तो पूरा चल गया। तो इस तरह से वीडियो आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।